देखिए गठबंधन टूटने के बाद की बात नहीं है, पहले भी ये था, जो एजुकेशन में जिस तरह का कमिटमेंट रहता है, क्योंकि हम एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे, एजुकेशन में जो कमिटमेंट था केंद्र सरकार का, जैसे सेक्रेटरीज दोनों डिपार्टमेंट के, मतलब दोनों स्टेट के, राज्य के, केंद्र के सेक्रेटरीज बैठते हैं और एक पर ईयर का बनाते हैं कि भाई हम इन इन क्षेत्रों में पैसा देंगे, जो कमिटमेंट करते हैं वो भी कमिटमेंट का पैसा नहीं आता है, तो उसी हिसाब से राज्य सरकार उसका प्रोविजन करती है अपने बजट में और उसके बाद फिर प्रोविजन करके रखती है, लेकिन आपका पैसा आता ही नहीं है केंद्र का पैसा। तो ऐसे बहुत से योजना है जिसमें कमिटमेंट के बाद भी पैसा नहीं आता है। मोदी जी कितने बार आके कह रहे हैं अगर स्पेशल स्टेटस मिलता है तो आज के हाल कुछ और आता, मतलब आप लोग को अभी कमी खल रही है स्पेशल स्टेटस। बिहार के प्रति जो लोग भी संवेदनशील रहे हैं और जो लोग चाहते हैं कि हमारा बिहार जो है बाकी राज्यों की तरह आगे बढ़े, और हमारी, क्योंकि एक बात ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में दुनिया में सबसे ज़्यादा हम पॉपुलेटेड हमारा राज्य है, देश में नहीं दुनिया में, तो नेचुरली हमारे पास एक बड़ा जनसंख्या हमारे प्रदेश में है, तो इस प्रदेश को अगर हमें आगे लेके जाना है तो सिर्फ हम स्टेट के जो हमारा आंतरिक रिसोर्स है उससे हम राज्य को आगे ले जाने में हमें बहुत समय लगेगा, और जिस तरह से पॉपुलेशन का जो स्थिति है उसमें परेशानियां होंगी, तो बार बार लंबे समय से चाहे वो यूपीए की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, जब हम यूपीए के अलायंस में भी रहे तब भी और जब हम भाजपा के अलायंस में रहे तब भी, हमेशा हमने ये डिमांड रखा कि हमें विशेष राज्य का स्पेशल स्टेटस का हमको लाभ मिले। उसमें एक बड़ी बात यह है कि ये बहुत सिंपल सिर्फ स्टेट के स्टेटस का मामला नहीं है, जिस तरह से भारत सरकार से जो पैसे आते हैं उसमें जो राज्य का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत 60-40 का कहीं कहीं है, कहीं 75-25 का है, तो उसमें भी कमी आएगी, उसमें भी जो हमारा इन्वॉल्वमेंट, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट जो हमारा स्टेट का है उसमें भी कमी आएगा। इसके बाद हमको आगे बढ़ने के लिए बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री लगाने के लिए उसमें बहुत से हमको फ़ायदे मिलेंगे, तो हमारा स्टेट तेज़ी से आगे बढ़ करके और हम बाकी जो डेवलप्ड स्टेट है उसके समकक्ष जल्दी आ सकते थे, ये सोच के साथ माननीय नेता ने बार बार इसको कहा और अभी भी हम मानते हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, लेकिन बार बार केंद्र सरकार, चाहे यूपीए की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, बार बार बिहार के प्रति यही कहा कि हमने, प्लानिंग कमीशन ने एक नया फार्मूला लाया है और उसमें हम स्पेशल स्टेटस के इसको हमने बंद कर दिया है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।